बाइबल में रोमियो 10:9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। दोस्तों, प्रभु यीशु कितने महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं, यह सब वही भलीभांति जानता है जिसने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया हो और प्रार्थना, विश्वास, पवित्रताई और वचनों की गहराई में रहते हुए उस सच्चे और एकमात्र परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता कायम किया हो। क्योंकि यीशु ही प्रभु है, यह मुँह से अंगीकार करने के बाद अपने मन से उसी पर विश्वास करना भी बहुत जरूरी है और फिर जरूर उद्धार होगा, ऐसा हमें यह वचन भी बताता है। और इससे आप प्रभु यीशु के लोग जाने की जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग कहलाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं जिसमें हज़ारों लोग एक शहर में सड़कों पर इकट्ठा होकर अपने घुटनों पर आकर एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग परमेश्वर को पुकार रहे हैं और मदद मांग रहे हैं। हालांकि यह वीडियो किस देश की है और कब की है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप भी समझ जाएंगे कि मुसीबत से बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही है। जो उसे पुकारता है वह अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कारों को देखता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो क्लिप को। कहे परमेश्वर, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ, आज से मैं आपके प्रेजेंस में जाऊँगा और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। आपकी हुजूरी में बैठने के लिए, सिर्फ वरदानों के लिए नहीं, सिर्फ अभिषेक के लिए नहीं, आपके लिए मांगो परमेश्वर से। खुदा अगर निगहबाना होगा शहर का तो सुन लो जरा, पुकार जाएगी उसके बिना सब निगहबानी। खुदा का सहारा लोगे अगर तुम तो होगी नादानी। खुदा का सहारा न लोगे अगर तुम तो होगी नादानी। उसके बिना कुछ भी कर ना सकोगे, मिलेगी नादानी। उसके बिना कुछ भी कर ना सको। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अपने आप को एक मजबूत मसीह विश्वासी बनाएं जो निडर होकर सिर्फ और सिर्फ अपने एकमात्र जीवित परमेश्वर पर विश्वास रखता है और यह भी जानता है कि उसका बचाने वाला और रक्षा करने वाला परमेश्वर सदा उसके संग है। लेकिन एक मजबूत मसीह विश्वासी बनने के लिए आपको परमेश्वर के वचनों पर मन लगाना होगा और प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना होगा। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।